Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmaceutics 1. We are discussing the chapter packaging of pharmaceutical. We have already completed many topics in packaging. We have completed the containers, type of containers, qualities of food container. Then we have completed glass and plastic. Now we are going to start the next topic, that is closures. ठीक है, तो क्लोजर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लोजर वर्ड का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज को क्लोज करने वाला, जिसको आप हिंदी पंजाबी में ढक्कन कहते हैं, ठीक है, या इसको हम लिड बोलते हैं, कवर करने वाली चीज, क्लोज करने वाली चीज। तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, क्लोजर की डेफिनेशन क्या है। क्लोजर इज डिफाइंड एज द डिवाइस बाय व्हिच कंटेनर्स कैन बी ओपन और क्लोज्ड। किसी भी कंटेनर को, जैसे कोई प्लास्टिक की बॉटल है, आपने उसको खोलना है या बंद करना है, तो आपको उसका क्लोजर या लिड को खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो फिर क्लोजर क्या हुए, क्लोजर हुए कि वो डिवाइस जिससे आप किसी कंटेनर को ओपन कर सकते हो या उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी क्लोजर की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्लोजर हमने क्यों यूज करना है, ठीक है। क्लोजर को, क्लोजर की क्या जरूरत है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजर, किसी भी बॉटल के लिए क्लोजर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे उसमें फैक्ट्स हैं कि क्लोजर हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले चीज तो ये है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मटेरियल बाय स्पिलिंग और वॉलेटलाइजेशन, गिरने से बचाने के लिए मटीरियल को, जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर जो मटीरियल है, ठीक है, उसको गिरने से बचाने के लिए, या वॉलेटलाइजेशन मीन्स इवेपोरेशन से जो उड़ जाता है मटेरियल, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे हैं, आजकल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है। अगर आप बॉटल को खुला रखेंगे तो आप जानते हैं अल्कोहल इज वॉलेटाइल, वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो वॉलेटलाइजेशन को बचाने के लिए, या स्पिलिंग को, गिरने से बचाने के लिए मटीरियल को आप बॉटल को क्लोज करके रखते हैं। सेकेंड जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, अवॉइड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट, डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट। आपने अपने कंटेनर में जो भी मटेरियल पैक किया है, उसको आप कंटेमिनेशन यानी गंदगी से बचाने के लिए, उसके अंदर कोई इंसेक्ट ना चले जाए, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर जाए, डस्ट पार्टिकल एंटर ना कर जाए, इसलिए आप बॉटल को बंद करके रखते हो, ठीक है। तो ये है आपका क्लोजर। थर्ड है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो है डिटोरिएशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की जो डिटोरिएशन है उसको बचाने के लिए किससे बचाना होता है, आपने एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपने, आपको कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें आपकी जो ऑक्सीडेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीजें सारी कंसिडर होती हैं, उनकी एंट्री जो होती है, मॉइस्चर को हम कंसिडर करते हैं। जैसे आपने किसी कंटेनर के अंदर कोई प्रोडक्ट को पैक करके रखा है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको मॉइस्चर का, जैसे मॉइस्चर अंदर एंटर करके प्रोडक्ट खराब हो सकती है, तो मॉइस्चर के इफेक्ट से बचाने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के इफेक्ट से बचाने के लिए, आप हर कंटेनर को क्लोज करके रखते हो, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोजर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, टाइप ऑफ क्लोजर। आपने देखे होंगे, आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा कि किस किस टाइप के, सारी तरह की बॉटल्स आपने देखी हुई है, हर टाइप के क्लोजर आपने देखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार टाइप के क्लोजर। तो पहला क्लोजर है आपका प्लग टाइप, जैसा प्लग होता है, ठीक है, प्लग टाइप क्लोजर है। प्लग टाइप क्लोजर में क्या है, पुश फिट है, जस्ट नेक के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुश फिट है। अब ये क्लोजर आपने कहाँ देखे हैं, ये क्लोजर आप अपनी लैब में देखेंगे, जहाँ ग्लास की बॉटल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आप सीधा, जैसे रीजेंट बॉटल्स है, अभी आप अपनी लैब में यूज करोगे, सीधा क्लोजर उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं, कुछ फिट करके उसको प्लेस कर देते हैं। ऐसे कॉर्क के क्लोजर आते हैं, कॉर्क लकड़ी जैसा मटीरियल होता है, वो भी सीधा कुछ फिट, प्लग जैसा ऐसे लगा दिया, जस्ट कोई इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, सीधा फिट कर दिया, ठीक है। आजकल क्या ट्रेंड है, क्योंकि ग्लास की सबसे बड़ी आपको मैंने डेफिशिएंसी क्या बताई थी, वो ब्रेकेबल है, इसलिए ग्लास के जो क्लोजर हैं उनका ट्रेंड नहीं आ, वो स्लिप हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम यूज कर रहे हैं मोस्टली प्लास्टिक के क्लोजर, वो अनब्रेकेबल है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप आ गई, दैट इज प्लग टाइप। उसके बाद आती है क्राउन टाइप। ये क्लोजर भी आप लोगों ने देखे होंगे, जितनी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं, बीवरेजेस की,
जैसे लिमका वगैरह की बॉटल देखी है, उनके ऊपर जो मेटल का क्लोजर होता है, वो क्राउन जैसा होता है, उसमें ग्रिप पड़े होते हैं, जिसको भी आप ओपनर से खोलते होते ना आप ओपनर से, तो वो जो क्लोजर है आपके, उनको हम बोलते हैं क्राउन टाइप क्लोजर। ठीक है, थर्ड जो टाइप आती है वो आती है आपकी पुश फिट, पुश करके फिट करने वाला। बहुत सारी बॉटल्स में आपने देखा होगा, शुगर फ्री की बॉटल आती है, पहले हाथ धोना की पैकिंग आती थी, पुश करके आपने, ठीक है, दबा के आपने स्लाइड करके क्लोजर को उसी जगह द्वारा ले आना है, ठीक है, दबा के पुश करके। तो ये आपके जो थर्ड टाइप की क्लोजर्स हैं, इसमें भी मोस्टली हम जो है प्लास्टिक ही यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं स्क्रू क्लोजर। अब ये जो क्लोजर है स्क्रू क्लोजर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप अपने घर में भी कोई भी मेडिसिन की बॉटल देखिए, मोस्टली सारों के अंदर यही टाइप है, स्क्रू घुमा के खोलने वाले। ठीक है, रूटीन में भी आप देखिए, मैं सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ, रूटीन में भी आपके घर में इवन किचन में जितने बॉक्सेस होंगे उसमें भी आप देखिए, मैक्सिमम का जो क्लोजर है वो खोल ऐसे घुमा के आप खोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि चूड़ियाँ हैं उनको घुमाते हैं आप, थ्रेड्स बोला जाता है उन चूड़ियों को। ठीक है, तो ये है आपके फोर्थ टाइप के क्लोजर, स्क्रू क्लोजर। अब जो स्क्रू क्लोजर है, आपने कभी उसको खोल के ध्यान से देखा है, बॉल मिलिंग का जो बॉक्स है उसका ही क्लोजर आप देख लीजिए, उसकी जो कैप लगी हुई है, उस कैप में बहुत सारी चीजें हैं, तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, एक स्क्रू क्लोजर के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज कैप, सेकंड इज बैड एंड थर्ड इज लाइनर। आपकी बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, आपने डायग्राम वहां से करना है। ठीक है, तो कैप क्या है, कैप है मेटल की बनी हुई, मेटल कोई भी हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, लिड हो सकती है, ठीक है, या एक प्लास्टिक की बनी हो सकती है, जैसे बॉन वीटा में देखा आपने उसमें प्लास्टिक का कैप आ रहा है। अब जो कैप है जैसे मेटल की बनी हुई है अगर, तो मेटल में क्या होता है कि आपको पता ही, आपने पढ़ा है मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, डक्टिलिटी होती है ना, शीट्स बन जाती है मेटल की, तो वो जो क्वालिटी है वो यहाँ पे यूज होती है, शीट बना के उससे क्लोजर को बनाया जाता है। अब जो मेटल की कैप होती है इंडस्ट्री में, जब किसी भी बॉटल के ऊपर क्लोजर लगाया जाता है, कैप लगाई जाती है, मान लो आपने कफ सिरप बनाई है, ठीक है, कफ सिरप की बॉटल को ऊपर से बंद करना है, तो वहां पे ये जो क्लोजर लगते हैं ये दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं प्लेन आते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं कैप के बॉटल के मुंह के ऊपर, और फिर उसके अंदर वो थ्रेड्स वो क्रिम्स डाले जाते हैं, ठीक है, जिसको चूड़ियां बोली जाती हैं, वो उस टाइम फिलिंग के बाद। दूसरे होते हैं जो पीछे से रेडीमेड, जिनके अंदर वो चूड़ियां बनी आती हैं, ठीक है, वो थ्रेड्स बने आते हैं, वो सीधे फिट कर दिए जाते हैं। तो दोनों तरह की जो पैकिंग है वो इंडस्ट्री में यूज होती है। अब ये जो कैप्स होती है, ये कैप्स जो मेटल की बनी होती है, उसमें एक हमेशा आपको डेंजर रहेगा कि जो प्रोडक्ट है आपकी, जो भी आपने फार्मास्यूटिकल अंदर पैक किया है, केमिकल पैक किया है, वो उस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन होकर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिटोरिएट हो सकती है। इसलिए कैप के अंदर क्या डाला जाता है, कैप के अंदर ब्रेड डाला जाता है, या आपने देखा होगा, कभी ध्यान ही दिया होगा, अब आप ध्यान से देखना, एक बैड अंदर होता है, ये जो बैड होता है ये प्रोडक्ट को कंटेमिनेशन से बचाता है, बैड जो है एक सील की तरह काम करता है, ठीक है, ये बैड किसका बना होता है, ये इनर्ट मटेरियल का बना होता है। मटेरियल कौन से यूज होते हैं इसमें, बहुत सारे कॉर्क यूज हो सकता है, कार्डबोर्ड बॉक्स भी, अगर आप बॉर्नविटा में देखेंगे तो गत्ते का ही अंदर पीस लगाया होता है, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स लगाया होता है, रबड़ का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज का बैड अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है लाइनर। लाइनर भी आप लोगों ने देखा होगा, लाइनर एल्युमिनियम की फॉइल से पैकिंग कर दी जाती है, ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है लाइनर, उसमें एल्युमिनियम की फॉइल, रबड़, ठीक है, रबड़ को यूज किया जाता है, प्लास्टिक की फिल्म को यूज किया जाता है, कई बार पेपर को भी यूज किया जाता है, और जो पेपर होता है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की होती है, ठीक है। तो ये कौन से वाले क्लोजर हैं, स्क्रू क्लोजर, जिनको आप घुमा के खोलते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर है मार्केट में आज की डेट में। तो ये हो गया आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लोजर। इसके बाद आपने पढ़ा है मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ऑफ क्लोजर, क्लोजर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। तो सबसे पहले यूज होता है कॉर्क, मे बी आप लोगों ने कॉर्क ना देखा हो। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो आपके पेपर में बड़ा रिपीट होता है, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉर्क जो है वो कहाँ से मिलता है, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक ट्री, ओ ए के, ओक ट्री,
ठीक है। इसके बाद से ये जो है आपका मटेरियल कॉर्क मिलता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो कॉर्क के ही क्लोजर आते थे, ज्यादा लकड़ी जैसा मटेरियल होता है, बाग से मिला है, छाल से मिला है, तो लकड़ी जैसा मटेरियल होता है, उससे आप बॉटल को क्लोज करते हैं। और ये जो मटेरियल था पहले बहुत पॉपुलर था, आजकल इसका ट्रेंड नहीं है। आप लोग देखोगे आजकल आपको प्लास्टिक या ग्लास या मेटल ही मिलेगा, कॉर्क भी मिलेगा मार्केट में, रबर के क्लोजर बहुत मिलेंगे। रीजन क्या है कि जो कॉर्क के क्लोजर थे उनमें ये माना जाता था कि टाइम के साथ पासेज ऑफ टाइम इनमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती थी, फंगस की ग्रोथ हो जाती थी, तो उससे क्या होता था कि जो प्रोडक्ट है आपकी ये बहुत बार खराब हो जाती थी, फंगस लग जाती थी किसी चीज को, तो प्रोडक्ट आपकी खराब हो जाती है। इसीलिए कॉर्क का जो ट्रेंड है आज की डेट में खत्म हो गया है, रबड़ और प्लास्टिक मार्केट में ज्यादा आ गई है। ये आपका फर्स्ट मटीरियल है। सेकेंड मटीरियल इज ग्लास। अब ग्लास की बात मैंने पहले भी आपको बोली कि ग्लास की प्रॉब्लम क्या है, ग्लास स्लिप कर जाता है, ब्रेकेबल है, तो ग्लास को आप उन बॉटल्स में यूज नहीं करते जिनको आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसे मान लो आपने किसी एक प्लेस पे कफ सिरप बनाई, उसको दूसरी सिटी में आपने ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आप ग्लास का क्लोजर लगा के उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ब्रेकिंग के चांस रहेंगे। तो इसलिए ग्लास आप कहाँ यूज करते हैं, मोस्टली हम लैब्स में यूज करते हैं जहाँ हमारी वाटर स्टेबल है। आप फार्मास्यूटिक्स लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें देखोगे वहाँ रीजेंट वाटर्स पड़ी है, या केमिस्ट्री लैब में भी देखोगे तो रीजेंट वाटर पड़ी है, वो वाटर्स कहाँ रखी आपने, शेल्फ के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी ब्रेकिंग के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ जो स्लिप नहीं होना होता। इसलिए ग्लास का जो है सिर्फ लिमिटेड यूज रह गया है, कॉमनली यूज नहीं हो रहा है। थर्ड जो आपका आ रहा है प्लास्टिक, प्लास्टिक का मटीरियल आप देख रहे हैं हर जगह आजकल प्लास्टिक का बोलबाला है, जबकि हमें पता भी है कि एनवायरमेंट के लिए कितनी डेंजरस है प्लास्टिक, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, बट आप देखिए मैक्सिमम वाटर्स में जो क्लोजर चल रहे हैं वो प्लास्टिक के ही चल रहे हैं। तो प्लास्टिक के जो क्लोजर हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जैसी मर्जी आप उनको शेप दे दो, और अलग अलग शेप्स में अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ये भी उनकी खासियत होती है, उनका वेट बहुत कम होता है, ठीक है। और प्लास्टिक का भी मटेरियल आपने जब यूज करना है उसको आपने टेस्ट करना है। जैसे मैंने मेटल में बताया था कि मेटल में दिक्कत आती है कि मेटल की डिटोरिएशन होने के चांस रहते हैं, तो प्लास्टिक में भी कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको भी आपने बचाना है, उसकी टेस्टिंग पहले करनी है। और प्लास्टिक से भी जो आप करते हो सीलिंग करते हो प्लास्टिक से, प्लास्टिक की सीलिंग में थोड़ा सा पिल्फर प्रूफ बनाने के लिए आपको अंदर कोई लाइनर देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे वो पिल्फर प्रूफ नहीं बनती है, लीकेज होने के चांस रहते हैं। उसके बाद आती है मेटल। मेटल का कंटेनर आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई मल्टीविटामिन खरीदते हैं, आप कोई कफ सिरप खरीदते हैं, मोस्टली सालों में ऐसे कंटेनर आते हैं और वो प्रॉपर सील होते हैं। आप पहले सील को तोड़ते हो फिर आप बॉटल को ओपन करते हो, बिल्कुल लीकेज प्रूफ कंटेनर होते हैं। मेटल की जो क्वालिटी है, ठीक है, डक्टिलिटी, उसकी वजह से शीट्स बन जाती हैं, उससे क्लोजर आराम से बन जाता है। तो मेटल के जो कंटेनर होते हैं टीयर ऑफ कंटेनर भी होते हैं, ऊपर से आप टीयर भी कर सकते हो ऐसे कंटेनर। आप लोगों ने इंजेक्शन की वायल देखी है, वायल में देखा पहले ऊपर से टीयर ऑफ करते हैं, पहले उतारते हैं फिर अंदर सिरिंज डालते हैं रबर क्लोजर के थ्रू, ठीक है, तो मेटल को वहां पे भी यूज किया जाता है। और लास्ट आता है मटीरियल आपका रबड़। रबड़ जो है रबड़ के कंटेनर आपने देखे, क्लोजर आपने देखे होंगे, रबड़ वायल के अंदर रबड़ डाली जाती है, आपने देखा होगा वायल देखी ना इंजेक्शन की, तो उसमें जो कैप या क्लोजर होता है वो रबड़ का बना होता है। इसके अलावा बहुत जगह रबड़ का क्लोजर यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल, किसी पेशेंट को आई वी ड्रिप लगती है उसके जो क्लोजर होते हैं वो भी रबड़ के बने होते हैं, ड्रॉपिंग बॉटल जो होती है वो भी इसकी, वॉशर जो होते हैं वो भी इसी के रबड़ के ही बने होते हैं उनके क्लोजर, ठीक है। तो अब ये जो क्लोजर होते हैं इसमें रबड़ जो यूज होती है, रबड़ आपको पता है नेचुरल ओरिजिन से भी होती है और सिंथेटिक भी होती है, चाहे रबड़ आपकी नेचुरल है चाहे रबड़ आपकी सिंथेटिक है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब जो रबड़ आप यूज कर रहे हो क्लोजर बनाने के लिए तो उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि रबड़ सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वायर के अंदर आपने रबर का क्लोजर डाला तो वायर खोलनी तो है, उसमें से आपने क्या करना है सिरिंज की नीडल अंदर डालनी है, सॉफ्ट होगी तो नीडल अंदर पास होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलास्टिक होनी चाहिए, रबर में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। थर्ड क्या है,
कि रबर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये जो मेडिकामेंट है उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे। फोर्थ क्या है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर को बियर कर सके। रबर कहाँ ज़्यादा यूज होती है? रबर यूज होती है स्टरलाइट प्रोडक्ट्स में, यानी इंजेक्शन में। तो इंजेक्शन को आपको स्टरलाइट बनाना पड़ता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोग्रेविंग करनी पड़ती है, टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करना पड़ता है। तो रबर ऐसी होनी चाहिए जो दोनों कंडीशन को बियर कर सके। नेक्स्ट क्या है कि जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है उसके अंदर जो कुछ भी आपने डाला है उसके साथ रबर जो भी कंपैटिबल को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कोई रिएक्शन उसके साथ ना करे। नेक्स्ट जो है कि जो भी स्टैंडर्ड्स फार्माकोपिया ने दिए हैं, जो आपने सेकंड चैप्टर में अलग अलग टाइप के फार्माकोपिया पढ़े हैं उसमें स्टैंडर्ड दिए गए हैं कि रबर के ये जो स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्ड्स को जो रबर है वो फॉलो करें। उसके बाद क्या है, इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एयर। रबर के अंदर से ना तो मॉइस्चर पास हो और ना ही हवा पास हो, एयर पास हो, ठीक है, नहीं तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगी। और लास्ट क्या है, इट शुड रिलीज ओनली निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मान लो अगर एक्शन हो भी जाता है तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट में ऐसी कोई चीज़ जो है उसको रिलीज करें, अनडिजायरेबल, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रबर की जब हम रबर के क्लोजर को यूज करते हैं। अब रबर मिलती कहाँ से है, ये भी एक फिलअप है, पेपर में काफ़ी कॉमन आता है कि जो नेचुरल रबर है, रबर प्लांट सुना होगा आपने, घरों में भी लोग लगाते हैं, ठीक है, कुछ जगह इसकी फार्मिंग की जाती है रबर प्लांट की। तो इसका जो ओरिजिन है लेटेक्स है, मिल्क जैसा प्रोडक्ट निकलता है रबर प्लांट से, उसी से रबर बनाई जाती है। तो इसका ओरिजिन क्या है, लेटेक्स ऑफ हेविया ब्रेजिलियंस, ठीक है, इससे प्लांट का नाम है। और ये पेपर में फिलअप की फॉर्म में आता है कि रबड़ आपको कहाँ से मिलती है, रबड़ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आपने लिखना है लेटेक्स ऑफ हेविया ब्रेजिलियंस, ठीक है, इस प्लांट से आपको नेचुरल रबड़ मिलती है। बट ये जो नेचुरल रबड़ होती है इसको हम आगे काफ़ी मॉडिफाई करते हैं, इसमें बहुत सारे एडिटिव हम डालते हैं तो हमारे पास प्रॉपर रबर जो है वो रेडी होती है। कौन से एडिटिव आप डालते हो, तो ये मैंने आपके सामने 7 टाइप के एडिटिव्स लिखे हैं। हम डालते हैं एक्टिवेटर्स जैसे जिंक ऑक्साइड, स्टीरिक एसिड एंड जिंक स्टीरेट। उसके बाद हम डालते हैं फिल्टर्स जैसे एस्बेस्टोस, कार्बन ब्लैक, कैल्शियम कार्बोनेट। वल्केनाइजिंग एजेंट जैसे सल्फर, एक्सेलेटर जैसे थायाजोल्स, लुब्रिकेंट जैसे टैल्कम, जिंक स्टीरेट। पिगमेंट्स डालते हैं ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एंटीमनी, कैडमियम एंड आयरन। उसके बाद है सॉफ्टनर्स, सॉफ्टनर्स हम डालते हैं मिनरल ऑयल एंड पाइन ऑयल। इतने सारे एजेंट्स के एग्जांपल आपको पता नहीं है कि ये एजेंट्स हम नेचुरल रबर के अंदर डालते हैं तो हमारा प्रॉपर रबर जो है जिसको हम पैकेजिंग मटीरियल यूज करते हैं वो रेडी होती है। अब कोई भी चीज मार्केट में आने से पहले उसके लिए हम कुछ वैल्यूएशन करते हैं, उसके हम टेस्ट करते हैं। तो रबड़ को भी, रबड़ के क्लोजर को भी हम पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, वो एक्सट्रैक्ट मीन्स कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ निकल तो नहीं रहा उसमें से, उसका टेस्ट किया जाता है। देन परमिएबिलिटी टेस्ट, परमिएबिलिटी टेस्ट मतलब उसके अंदर क्या पास हो रहा है ये चेक करना होता है, मॉइस्चर तो नहीं अंदर जा रहा, एयर तो नहीं अंदर जा रही, ये चेक किया जाता है। देन कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जो आपने प्रोडक्ट अंदर पैक करनी है उसके साथ कंपैटिबल है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, इसके पीसेस तो नहीं टूटे रहे रबर के, फ्रेगमेंट्स तो नहीं हो रहे, ये भी हमने चेक करना होता है। ऐसे करके ये जो टेस्ट है हम रबर के ऊपर लगाते हैं, फिर हम अगर रबर को ओके करते हैं तो वो रबर के क्लोजर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, क्लियर। तो ये आपके मटेरियल्स हैं, ये 5 मटेरियल जिनको आप जो अलग अलग कंटेनर के क्लोजर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है क्लोजर। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आ सकता है 4-5 नंबर का, और अगर फुल क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का तो उसमें आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोजर, डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, उसके बाद टाइप ऑफ क्लोजर, ठीक है, टाइप ऑफ क्लोजर में आपको उसका डायग्राम भी बनाना है लास्ट वाले का, और फिर मटीरियल यूज फॉर मेकिंग द क्लोजर, ठीक है। थैंक यू।